गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपना हिंदी का लेसन 6 स्टार्ट करने वाले हैं, हिंदी ग्रामर का। आज हिंदी दिवस भी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारक क्या होते हैं, कारक किस तरह यूज करते हैं, इनको हम सब कुछ जानेंगे समझेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं, इनको पढ़ते हैं। राहुल, सीता, उस, कॉपी, पेंसिल, एक चित्र बनाकर दिया। सुना आपने? दोबारा सुनिए। राहुल, सीता, उस, कॉपी, पेंसिल, एक चित्र बनाकर दिया। कुछ समझ में आया क्या कहना चाहता है? नहीं समझ में आया है ना। चलिए एक और पढ़ते हैं। बच्चे स्कूल मैदान खेलने गए, परंतु वहां उन खेल अध्यापक नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाहता है पूरा। बच्चे हैं समझ में आ रहा है, स्कूल का मैदान है समझ में आ रहा है, अध्यापक है समझ में आ रहा है, लेकिन ये पूरा कनेक्ट नहीं हो रहा है, पूरा बन नहीं रहा कुछ मतलब इसका, ठीक है, कुछ मतलब नहीं दे रहा है ये। अब बताइए कि इन वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उनका आपस में कोई संबंध है? नहीं ना। अब दोबारा पढ़िए। अब देखिए हमने जो पढ़ी इनमें कोई समझ में नहीं आ रहा, सब अलग अलग लग रहे हैं। राहुल अलग लग रहा है, सीता अलग, कॉपी, पेंसिल, चित, क्या करना है, मतलब क्या है इन सब का? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। चलिए आगे पढ़ते हैं नीचे दोबारा। राहुल ने सीता को उसकी कॉपी पर पेंसिल से एक चित्र बनाकर दिया। आप समझ में आया ऊपर वाला वाक्य? राहुल ने सीता को उसकी कॉपी पर पेंसिल से एक चित्र बनाकर दिया। अब समझ में आया क्या कहना चाहता था वो, है ना। दूसरा देखिए, बच्चे स्कूल से मैदान में खेलने के लिए गए, परंतु वहां उनके खेल अध्यापक नहीं थे। अब दूसरा वाक्य भी समझ में आ गया हमको कि क्या कहना चाहता था वो। अब देखिए इसमें कुछ शब्द हैं जो कि जोड़े गए हैं, जो कि ऊपर वाले शब्दों में नहीं थे, जैसे कि ने, को, की, पर, से, ठीक है। दूसरे वाले वाक्य में से, में, के लिए, के, ये एक शब्द जोड़े गए हैं। अब सब शब्दों का संबंध जुड़ गया है ना। अब देखो पूरा सारा क्लियर हो गया वाक्य की कहना क्या चाहता है, क्योंकि सब अब जुड़ गए हैं। अब पहले अलग अलग लग रहे थे सब पढ़ने में, अब सब कुछ जुड़ गया है। आपने देखा कि यह संबंध ने, को, की, पर, से, में, के लिए, के आदि शब्दों ने जोड़ा है। अब देखिए वो जो संबंध है, जो पहले हमने वाक्य पढ़े और अब जो वाक्य पढ़ा, अब तो मतलब समझ में आ रहा है, पहले वाले मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो जो ये शब्द है ने, को, की, पर, से, में, के लिए, के, इन्होंने पूरा इन सबको जोड़ दिया है शब्दों को, ठीक है, सबको एक शब्द में जोड़ दिया है, एक वाक्य में एक मतलब आ रहा है। अब इसका संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। अब देखिए इन्हीं शब्दों को कारक कहते हैं, जो कि पूरे वाक्य में शब्दों का संबंध जोड़ते हैं, ठीक है। एक चीज का दूसरी चीज से संबंध जब जोड़ा जाता है, उन शब्दों को हम कारक कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि हमने पहले वाक्य पढ़ा था, एक राहुल, सीता, उस, कॉपी, पेंसिल, एक चित्र बनाकर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब इन सबके बीच में संबंध किसने जोड़ा, किसने इन सबको एक संबंध बनाया, मतलब एक रिलेशन बनाया, इन सबको जोड़ दिया इन शब्दों ने, से, में, के लिए, इन शब्दों ने जोड़ा, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? कारक। ऐसे शब्द जो कि संज्ञा सर्वनाम के बीच का संबंध जोड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए कारक जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं।
समझ लीजिए आप, ठीक है। जैसे कि कर्ता एक है, कर्ता उसका संबंध निकालते हैं हम ने से, कर्म मतलब काम उसका पता लगता है को से, कर्ण मतलब किसके द्वारा काम हो रहा है उससे पता लगता है से से। देखिए यहाँ पे, बच्चे स्कूल से मैदान में, किससे गए, स्कूल से मैदान में गए। यहाँ पे दूसरा से है संप्रदान के लिए, जब के लिए होता है तो वहां संप्रदान होता है। अपादान से अलग होना, मतलब अलग होने के केस में, जैसे कि यहाँ पे अलग हो रहे हैं बच्चे स्कूल से मैदान में गए, स्कूल से मैदान में गए, तो ये अपादान वाला से है, ठीक है। संबंध बनाना, रिलेशन बताना, अधिकरण में पर, संबोधन हेयर, चलिए इन सब के बारे में समझते हैं। कर्ता क्या होता है, काम को करने वाला। वाक्य में, वाक्य को पढ़ने पे आपको पता लगे कि काम कौन कर रहा है तो वो कर्ता कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल दीजिए, उसने पेन उठा लिया, तो यहाँ काम करने वाला कौन है, वो उसने, ठीक है। कर्म, जिस पर काम का फल पड़े, ठीक है, जिस पर काम, जिसके ऊपर काम किया जाए उसे कहते हैं कर्म। जैसे कि श्यामा ने अखबार पढ़ा, मतलब श्यामा ने अखबार को पढ़ा, तो यहाँ पे किसके ऊपर काम हुआ, अखबार के ऊपर काम हुआ, वो हो गया कर्म। कर्ण, जिस चिन्ह से काम के साधन का ज्ञान हो, मतलब जब जिस शब्द से आपको पता चले कि ये काम किसके द्वारा किया गया है, किसकी मदद से किया गया है। चित्र पेंसिल से बनाया, ठीक है, चित्र किसी से बनाया, पेंसिल से। वह गाड़ी से गया है, किससे गया है, वो गाड़ी की हेल्प से गया है, गाड़ी की मदद से गया है, तो वह है कर्ण। संप्रदान, संप्रदान होता है जिसके लिए काम किया जाए, ठीक है। वाक्य में जब आपको पढ़ते समय ये पता लगे कि किसके लिए काम हो रहा है, ठीक है, वो दोनों का रिलेशन जोड़ने के लिए शब्द यूज होता है के लिए। मेरे लिए दो बैट आएंगे, किसके लिए आएंगे, मेरे लिए, मेरे पर, ठीक है। उसका पानी ला दो, उसके लिए पानी ला दो, किसके लिए, मेरे लिए या उसके लिए, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अपादान, जिससे कोई वस्तु अलग हो, जिस शब्दों से आपको पता लग रहा हो कि कोई चीज अलग हो रही है, तो वहां पे अपादान कारक होता है। जैसे कि बच्चा छत से गिर गया, बच्चा छत से गिर गया, देखिए बच्चा छत से अलग हो गया, यहाँ पे से का मतलब है अलग होना, ये हो गया अपादान। किताब से पन्ने मत फाड़ो, किताब से पन्ने मत फाड़ो, मतलब किताब से पन्ने अलग मत करो, यही मतलब है। संबंध, जो चिन्ह संबंध बताया, आप देखिए जो शब्द संबंध बताते हैं, यह मेरा घर है, ठीक है। वह अथर्व की बहन है, वो अथर्व की बहन है, रिलेशन बता रहे हैं अथर्व के बीच में और उसकी बहन के बीच में, ठीक है। यह मेरा घर है, तो मुझ में और मेरे घर में क्या रिलेशन है, ये मेरा है। अधिकरण, जिस जगह पर काम हो, जहां पर काम हो रहा हो वहां पर अधिकरण कारक होता है। जैसे कि मैदान में खेलो, मैदान में काम हो रहा है। कागज पर चित्र बनाओ, कागज के ऊपर काम हो रहा है। संबोधन, संबोधन क्या होता है, जब हम किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं किसी को, वहां पर होता है ये। अरे बच्चे सुनो, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, संबोधन में बुलाया जाता है, किसी को पुकारा जाता है, ठीक है, वहां संबोधन होता है। अगर आपको समझ में ना आए, ज्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि आप बड़ी क्लासों में आप इसको बड़े आसानी से समझ पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आप बस समझ लिए ऊपर ऊपर के होते क्या है ये कारक। कारक क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध जोड़ते हैं चीजों का, ठीक है, उन दोनों को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से,
चलिए देख लेते हैं कुछ अब एक्सरसाइज। कारक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ये आप वहाँ पर लिख लेंगे और क्या लिखेंगे, कारक के आठ भेद होते हैं। ठीक है, जो मैंने कहा वो लिख लीजिएगा। प्रकार लिखा है यहाँ पे, तो कारक के आठ प्रकार होते हैं। सब कारकों की विभक्तियां चिन्ह बताइए। सभी कारकों की विभक्ति चिन्ह बताना है, तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे, आपको ये लिखना है सारा कुछ यहाँ पे। ठीक है, कर्ता की पहचान क्या सकती है, उसमें ने लगा होगा वाक्य में, कर्म को जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, ये सब पूरा है। इन वाक्यों से कारकों की विभक्तियां छाटिए। अब देखिए इसमें कारक के कौन कौन से, देखिए राम ने रावण को मारा। अब मैं देखो इसमें से ने हटा दूं और को हटा दूं, राम रावण मारा, समझ में नहीं आ रहा किसने किसको मारा। तो यहाँ पे देखिए ने और को, ये है कारक की विभक्तियां, तो आप यहां लिख देंगे ने, ठीक है, और को। उसने कापी पर पेंसिल से चित्र बनाया, तो इसमें कारक कौन कौन से चिन्ह है, ठीक है, ने, पर, से, ठीक है, ये तीनों आप यहाँ पर लिख देंगे। अरे उधर मत जाओ, यह उसका घर नहीं है। अरे उधर मत जाओ, ये उसका घर नहीं है, इससे क्या पता लग रहा है कौन सा है, ये है संबोधन, पुकार रहा है किसी को, बुला रहा है किसी को, तो अरे यहाँ पे आ जाएगा अरे। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा बुक में। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।